हिमाचल कांग्रेस दे इंचार्ज अंबिका सोनी ने साफ संकेत दिते ने कि हिमाचल च जे कांग्रेस सत्ता च आई तां वीरभद्र सिंह ही मुख्यमंत्री होणगे। नाले उन्हां वीरभद्र सरकार दी तारीफ कीती तां अनुराग ठाकुर दे माफिया वाले बयान दा सख्ती नाल जवाब भी दिता। उधर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस दे विकास दे दावयां नूं खोखला दस्या। हिमाचल कांग्रेस इंचार्ज अंबिका सोनी ने वीरभद्र सरकार की जम के शलाघा की। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री वीरभद्र ने विकास के मामले में इस बार अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिता है, जदों की अनुराग ठाकुर हिमाचल सरकार को माफियावां की सरकार करार दे रहे हैं। उन्होंने हिमाचल कांग्रेस के विकास के दावे को खोखला करार दिता। जितना काम पिछले 4 साल में हुआ है वो आज तक, हालांकि वीरभद्र जी ने 5 दफा पहले सरकार बनाई, ये 6ठी दफा है, उससे भी ज्यादा, तो उससे एक आप समझ सकते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स में एक हाई था। जो व्यक्ति ये कहता हो कि पीडब्ल्यूडी का विभाग ठेकेदार चलाते हैं और वो विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रदेश सरकार किस हाल में। हिमाचल की जनता ने इनको सत्ता दी है, इनको विकास करना चाहिए, हिमाचल का विनाश करने पर तुले, क्योंकि प्रदेश में सरकार नहीं माफिया है और माफिया प्रदेश को खत्म कर रहा है। अनुराग ठाकुर के इल्जाम का जवाब देते हुए सीएम वीरभद्र सिंह ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुराग ठाकुर खुद सब तो बड़े माफिया ने। अनुराग ठाकुर जो है वो ही कह रहे हैं, इससे एक बार आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार भ्रष्टाचार में लीन है और माफिया राज जो है यहाँ हिमाचल में चल रहा है। बात यह है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा माफिया डॉन दो वो है आदमी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर समय समय से सीएम वीरभद्र को निशाने उत्ते लैण तो नहीं खुंझते। कुछ दिनों तक सिलसिला रुकने तो बाद मुड़ तो दोनों पासियों तिखी बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। शिमला तो मोहित प्रेम शर्मा के नाल अरविंदर सिंह, जी मीडिया, हमीरपुर।